राजस्थान कांग्रेस की तेज तर्रार नेता दिव्या मदेना एक बार फिर से चर्चा में है। वजह अपनी सरकार को घेरना। दरअसल औसिया से कांग्रेस विधायक ने गहलोत सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। ये पहली बार नहीं है जब दिव्या मदेना ने राजस्थान में अपनी ही सरकार को घेरा हो। आपको बता दें कि दिव्या मदेना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की करीबी नेताओं में से एक मानी जाती हैं। दिव्या ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी थी, जब यात्रा में चलते हुए उनकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ वायरल हुई। वहीं दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब छाई रही। मदेना एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वो कांग्रेस नेता महिपाल मदेना और लीला मदेना की बेटी हैं। उनके दादा परशुराम मदेना दिग्गज जाट नेता थे और मंत्री भी रहे। उन्हें साल 1998 में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का अहम दावेदार माना जाता था। हालांकि वो सीएम बनने में सफल नहीं हो पाए और कांग्रेस आलाकमान ने उनके बजाय अशोक गहलोत को राज्य की कमान सौंप दी। आपको बता दें कि दिव्या ने इंग्लैंड से पढ़ाई की है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली है। महज 26 साल की उम्र में उन्होंने ओसिया में परिषद चुनाव लड़ा। वहीं 2018 में वो ओसिया सीट से ही पहली बार विधायक बनी। दिव्या ने पिछले साल सितंबर महीने में अशोक गहलोत के करीबियों की बगावत के दौरान मुख्यमंत्री को घेरते हुए कई बयान दिए थे। ताज़ा विवाद की बात करें तो उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री और अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल पर हमला बोला है। दिव्या ने दावा किया कि उन्होंने राजस्थान विधानसभा में किरोड़ी लाल मीना पर की गई टिप्पणी को गलत बताते हुए निंदा की थी। इसकी वजह से जोधपुर विकास प्राधिकरण ने ओसिया के 44 सड़क प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत को चेतावनी देते हुए कहा कि ये बदले लेने वाला रवैया बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री गहलोत ने मेरे क्षेत्र की सड़कों के प्रोजेक्ट्स को वापस नहीं बहाल करवाया तो वो भी मुँह में घास लेकर धरने पर बैठ जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।